रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति प्रस्ताव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चीन और ब्राजील का भी नाम लिया है। दरअसल बीते कुछ समय से इस बात की चर्चा तेज है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन और उससे पहले रूस का दौरा किया था। पीएम मोदी के इन दोनों विदेशी दौरों की काफी चर्चा रही, यहां तक कि अमेरिका भी कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवाने के लिए पहल कर सकता है। पीएम मोदी ने भी अपने रूस और यूक्रेन दौरे पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने शांति की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, दोनों देशों से बातचीत के टेबल पर आने की अपील की थी। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भारत को लेकर दिया गया बयान काफी अहम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जिन देशों का नाम पुतिन की तरफ से लिया गया है उसमें भारत पर विश्वास कहीं अधिक है। इसके पीछे कई वजहें भी हैं। अमेरिका समेत कई दूसरे देश ऐसे हैं जो चीन पर शायद उतना भरोसा नहीं करते। साथ ही प्रधानमंत्री का दोनों देशों में जाना और अपने स्टैंड पर कायम रहना काफी कुछ दर्शाता है। दरअसल रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। बता दें कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग रोकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने के लिए दो शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को दोनोत्स्क, लुहांस्क, खिरसोन और जपोरजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बाद से दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। रूस और यूक्रेन अलग अलग देशों की मदद से एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में टिके हुए हैं। अब पुतिन की शांति वार्ता को लेकर बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी करीब दो महीने पहले 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर चर्चा की थी। इसके कुछ समय बाद पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा किया था। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिट करवाने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं पीएम मोदी जब यूक्रेन से वापस लौटते हैं तो उनकी बात अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से होती है। इस दौरे से पीएम मोदी ने क्या अनुभव किया इसको उन दोनों नेताओं के साथ उन्होंने साझा भी किया। इससे उम्मीद और भी बढ़ गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा कि भारत उनके देश और रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन की यात्रा पर जब मोदी थे तब द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मोदी की यात्रा ऐतिहासिक रही। बता दें कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है जबकि 18,500 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन का दावा है कि रूस 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं।